बसमरिम्सम वेलकम टू आर चैनल आई सी पी एच एस आर वाई के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की और ये वीडियो लेक्चर अमाइनो एसिड का सेकेंड लेक्चर है इससे पहले हमारा फ़र्स्ट लेक्चर हो चुका है अमानो एसिड पर उस फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की टाइप की तो अमाइनो एसिड अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि अमाइनो एसिड बेसिकली मोनोमर्स होते हैं यानी कि अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट होते हैं और ये सिंगल यूनिट ये अमाइनो एसिड ये मोनोमर आपस में मिल एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं एक पोलीमर बना सकते हैं पोलीमर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये आपस में मिलके जो पॉलीमर बनाएंगे वो पॉलीमर प्रोटीन कहलाता है तो आपको पता चला कि अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड आपस में मिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोटीन की लेकिन यहाँ पे अब हम बात करने लगे हैं अमाइनो एसिड की क्लासेस की तो सबसे पहली क्लास हमारे पास अमानो एसिड की है जो कि कहलाती है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में हिस्सा लेते हैं यानी कि आपको यहाँ से बात पता चल गई क्लियर हो गया कि हर अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बना सकता जबकि कुछ अमाइनो एसिड प्रोटीन बना सकते हैं और वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बना सकते हैं हम उनको क्लासीफाई करेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लास में अमाइनो एसिड अक्रिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और जो कि हमारी पहली क्लास है अमाइनो एसिड की तो ऑल दो मोर देन थ्री हंड्रेड नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड आर डॉन अगरचे अब तक तीन सौ से ज़्यादा कुदरती तौर पे अमाइनो एसिड जो पाए जाते हैं वो जाने जाते हैं लेकिन बट ओनली ट्वेंटी अमाइनो एसिड लेकिन सिर्फ बीस ऐसे अमाइनो एसिड हैं विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन जो के हर तरह के प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं अब ये प्रोटीन प्लांट एज वेल एज एनिमल इन ऑरेजन हो सकती है ये प्रोटीन प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हो सकती है बीस ट्वेंटी अमाइनो एसिड ये बीस अमाइनो एसिड जो हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी अमाइनो एसिड या फिर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या फिर आप इन्हीं को कह सकते हो कि ये नॉर्मल अमाइनो एसिड हैं तो अब तक हमने ये पढ़ा कि अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड आपस में मिल के पोलीमर बनाते हैं जो कि प्रोटीन कहलाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाए बट जबकि कुछ अमाइनो एसिड हैं ऐसे जो कि मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और वो अमाइनो एसिड जो मिल के प्रोटीन बनाते हैं हम उनको कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अगर हम तादाद की बात करें हैं। ये बीस हैं ट्वेंटी हैं और इसके अलावा इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हम और भी नाम देते हैं वो नाम है इसके प्राइमरी अमाइनो इस एसिड और नॉर्मल अमाइनो एसिड ये जो दो नाम है इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ग्लाइसिन और एलानिन ये दोनों अमाइनो एसिड हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं ये ग्लाइसिन और एलानिन दोनों अमाइनो एसिड हैं अमाइनो एसिड में भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं ग्लाइसिन और एलानिन की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा जो जनरल स्ट्रक्चर हमने अमाइनो एसिड की पढ़ी थी हमने अमाइनो एसिड की अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर में ये देखा था कि उसमें सेंटर में एक अल्फ़ा कार्बन था जो कि सेंट्रल कार्बन था हमने उसको अल्फ़ा कार्बन कहा क्योंकि उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच थे और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं वो हैं कार्बोसाइलिक एसिड जो कि सीरप और दूसरा है अमाइनो ग्रुप एन एच टू तीसरा है हाइड्रोजन तो ये तीनों ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं जबकि फोर्थ ग्रुप जो कि अटैच होता है अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में वो होता है एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप या साइड चेन उसको हम शो करते हैं अगर हम ग्लाइसिन में देखें तो ग्लाइसिन में एल्काइल या आर ग्रुप में भी हाइड्रोजन की ही अटैचमेंट होती है जबकि एलानिन में वही अल्काइल या आर ग्रुप में मिथाइल अटैच होता है तो ग्लाइसिन एक अकेला ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें एल्काइल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है ये फर्दर सब क्लासेस हैं सब क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड की यानी स्टैंडर्ड अमाइनर्सिटी को हम और किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं तो ये जो क्लासेस हैं बेसिकली जो फर्दर हम सब uh, क्लासेस पढ़ने लगे हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन ये साइड चेन कौन सी है ये वही आर ग्रुप है तो जो आर ग्रुप अमाइनो एसिड में मौजूद होता है वो वेरी करता है वो चेंज होता रहता है हर अमाइनो एसिड में और जैसा वो अमाइनो एसिड में आर ग्रुप चेंज होता रहता है तो उसी आर ग्रुप के ऊपर डिपेस करती है आपके अमाइनो एसिड की खासियतें तो सारी खसूसियात आपके अमाइनो एसिड की चेंज होती जाएंगी उस आर ग्रुप की वजह से उसी आर ग्रुप की बेस पर हम फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को दिस इज़ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ साइड चेन इस आर ग्रुप को हम साइड चेन भी कहेंगे आर ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इट इज दिस साइड चेन गिव डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी टू अमाइनो एसिड क्यों क्योंकि ये वो साइड ग्रुप है वो ये वो साइड चेन है ये वो अल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से आपके अमाइनो एसिड में एक ख़ास प्रॉपर्टीज ये खसूसियात उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं आपके अमाइनो एसिड की वो डिपेंड करती हैं अल्काइल ग्रुप पे अल्काइल ग्रुप आपको रिवाइज़ करवा दूँ ये अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी सेंटर में सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन है उसके साथ अटैचमेंट है कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप की अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन की और अल्काइल ग्रुप की यह अल्काइल ग्रुप जो बॉक्स में बना हुआ है साइड पे एक आपको चेंज की फॉर्म में नज़र आएगा कि फर्दर सब सब अमाइनो एसिड में कैसे कैसे ये चेंज होता जाएगा सबसे पहली सब क्लास है अमाइनो एसिड की यानी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की फर्दर सबसे पहली सब क्लास है अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफैटिक साइड चेन यानी कि वो अमाइनो एसिड जिन में आर ग्रुप की जगह अल्काइल की जगह पे जो ग्रुप अटैच होगा वो ग्रुप होगा नॉन पोलर और वो ग्रुप होगा एलिफेटिक साइड चेन यानी कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा दिस इंक्लूड अब इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं जिनमें शामिल हैं क्लाइसिन एलानिन विलइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन तो ये पांच अमाइनो एसिड है जिसको हम क्लासिफाई करेंगे कि इन पांचों अमाइनो एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आर ग्रुप अल्कल ग्रुप की जगह पे एलिफेटिक साइड चेन मौजूद होती है वो कौन कौन से हैं ग्लाइसिन एलानिन वेलाइन ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन ये इस वक्त आपके सामने स्ट्रक्चर है अच्छा इन अमाइनो एसिड के जो नाम हैं इनके एब्रिवेशन में दो तरह की एब्रिवेशन होती हैं इनमें थ्री लेटर एब्रीवेशन भी होती है और वन लेटर एब्रीवेशन भी होती है लेकिन ये जो आपको नाम के नीचे शो हो रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूँ लेकिन ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं हाँ लेकिन अगर आपने याद करना है तो आप इसके निमोनिक्स बना सकते हैं ग्लाइसिन जी एलानिन वेलाइन वी ल्यूसिन एल आइसोल्यूसिन आई तो इसके निमोनिक्स बन गए गैवली तो अब आपको ये याद रहेंगे कि नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन कंटेनिंग एसिड में टोटल पांच एसिड हैं जिसमें जो शामिल होते हैं ग्लाइसिन एलानिन वेलाइन, व्यूसिन और आइसोल्यूसिन अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ आपको अभी अभी मैंने बताया कि ये जो सब क्लास इसको अब हमने इस क्लास को नाम ही ये दिया कि एलिफेटिक साइड चेन है अब यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर में बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है येलो कलर का हाईलाइटेड ये बॉक्स अल्काइल ग्रुप को या आर ग्रुप को शो करेगा सबसे पहली स्ट्रक्चर है आपके पास ग्लाइसिन अगर आप ग्लाइसिन को एक नज़र देख लो सारी स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाएंगी ग्लाइसिन में कार्बन वैसे ही है बिल्कुल अल्फ़ा कार्बन कार्बोसाइलिक एसिड ग्रुप है हाइड्रोजन है और अमाइनो ग्रुप है वो सब कुछ सब में सेम है कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा कहीं पे भी वेरी नहीं हो रहा ग्लाइसिन में अल्काइल ग्रुप की जगह आर की जगह हाइड्रोजन की अटैचमेंट है यहाँ पे जो के येलो कलर के हाइलाइटेड बॉक्स में आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है अगर यहाँ पे अल्काइल की जगह हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो कहलाएगा ग्लाइसिन जबकि इसी अल्काइल की जगह पर मिथाइल ग्रुप सी थ्री अटैच होगा तो ये कहलाएगा एलानिन अब तीसरा मनो एसिड है नॉन पोलर एलीफेटिक साइड चेन में यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये एलिफेटिक तो है लेकिन ये ब्रांच आपको दिख रही है जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक मिथाइल ब्रांच पे अटैच है जबकि दो आ, कार्बन के जो है वो ग्रुप अटैच है जो, दो जो है आपके पास सामने कार्बन के अटैचमेंट है जो कि है एक इथाइल तो यहाँ पे इथाइल आपकी चेन में अटैच होगा और एक ब्रांच पे मिथाइल अटैच होगा यानी आपके एलानिन के अलावा वेलाइन में दो और मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है सेम ऐसे ही अगर आप ल्यूसिन को और वेलाइन को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ तो आपको क्लियरली शो होगा कि अल्फ़ा कार्बन और ब्रांसड वाले कार्बन के बीच में एक और मिथाइल ग्रुप की एडिशन हुई हुई है जबकि आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन को अगर आप कंपेयर करो तो थोड़ा सा यहाँ पे वेरी हो जाएगा कि ब्रांसड वाला कार्बन पहले हो गया और उसके बाद में आपके पास इथाइल की अटैचमेंट है लेकिन जैसे भी अटैच है यहाँ पर सब में मिथाइल आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये सब एलिफेटिक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अटैच हुए हैं इसीलिए हमने इन पांच को इसी क्लास में रखा तो ये पांच कौन से हैं ग्लाइसिन एलानिन विलाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर दूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि एलिफैटिक है तो उसमें कितने कार्बन हैं कहाँ कहाँ मिथाइल है कैसे अटैच है कुछ नहीं पूछेंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ सब क्लासेस और ये जो क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड की स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की इसमें आपने सिर्फ ये लिखना है पहले हेडिंग देनी है दैट अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड उसके बाद आपने जो नीचे नाम है ये सारे नाम मेंशन कर देना है जो कि इंक्लूडेड हैं ग्लाइसिन एलानिन विलइन ल्यूसिन एजोल्यूसिन आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए ये नाम सही होने चाहिए और यही आपका थ्योरी के लिए आपको लिखने के लिए नोट होगा बाकी जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था स्ट्रक्चर का मैंने क्लास में समझाया भी था और उसके साथ साथ ये यहीं पे लेक्चर में भी और थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट करके आपके सामने इस वक्त सारी इमेज क्लियर हैं तो इस वजह से भी यहाँ पे और ज़्यादा फोकस करके समझा रही हूँ सेकंड क्लास है सेकंड सब क्लास है हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो अमाइनोर्सिटी एरो एरोटिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनोसि यानी कि वो अमाइनो एसिड जिन में आर की जगह अल्कल की जगह चेन अटैच होगी अब उसमें आते हैं फिनाइल एलानिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफिन तो ये तीन अमाइनो एसिड हैं जो कि हैं पी टी टी के निमोनिक से तो ये तीन आपके पास अमाइनो एसिड हैं फिनाइल एलानिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफिन और एक और बात याद रखिएगा कि जो एलीफेटिक हैं वो रिलेटिवली नॉन पोलर हैं जबकि जो एरोमेटिक हैं वो रिलेटिवली पोलर हैं तो ये इन तीनों के स्ट्रक्चर एक नज़र देख लेते हैं आपके सामने है फ़िनाइल एलानिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफिन अगर आप नोट करें तो इन तीनों में आपको रिंग नज़र आ रही होगी इन तीनों में रिंग्स की अटैचमेंट है अगर एकदम एक, तो एक नज़र आपने फ़र्क देखना है इनमें फिनाइल एलानिन आप देखो बिल्कुल जो एलानिन हमने पहले पहले स्ट्रक्चर की एलानिन बिल्कुल वैसे ही एलानिन बना हुआ है यानी कि मिथाइल की अटैचमेंट हुई हुई है और उसके साथ एक बेंजीन की रिंग भी अटैच है ये है आपका फिनाइल एलानिन अच्छा अगर आप आप में से किसी के माइंड में आता है कि सी एच थ्री था तब भी मिथाइल था सी एच टू है तब भी मिथाइल कह रही हैं मैम तो बे जैसे ही ये जो हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है वो डिपेंड करती है बॉन्डिंग के ऊपर आप सबको पता है कार्बन के चार बॉन्ड बनते हैं तो ये उसी हिसाब से हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है लेकिन अगर एक कार्बन मौजूद है तो आप उसको मिथाइल कहोगे फिनाइल एलानिन में एलानिन की स्ट्रक्चर के साथ एक बेंजीन की रिंग अटैच हुई हुई है ये आपका फिनाइल एलानिन जबकि इसी सेम इसी स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल की एडिशन हो जाए तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है टायरोसिन की

यहाँ पे भी येलो कलर का हाइलाइटेड बॉक्स नजर आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल जैसे एलानिन है सी एच टू उसके साथ एक और हाइड्रोक्सिल अटैच है एक ही हाइड्रोक्सिल अटैच है, है, है ये है सीरीन जबकि बिल्कुल सीरीन जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन एक मिथाइल और अटैच हुआ हुआ है बाद में तो इस कार्बन के साथ जहाँ पे पहले सी एस टू दो हाइड्रोजन थे वहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट हुई हुई है तो ये है आपकी स्ट्रक्चर थ्रियोनीन की फोर्थ अमाइनो एसिड फोर्थ सब क्लास है हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर अब ये सल्फर साइड चेन कंटेनिंग ग्रुप में सिर्फ दो अमाइनो एसिड आते हैं कौन कौन से सिस्टीन और मिथियोनिन सिस्टीन और मिथ्योनिन इन दोनों की एब्रिवेशन आप इस तरह से निमोनिक्स में आप याद करोगे सिस्टीन सी मिथ्योनिन एम सी एम जो है वो सल्फर साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड में आते हैं दोनों की स्ट्रक्चर आपके सामने शो की हुई है अगेन हाईलाइटेड बॉक्स में अगर आप नोट करो

सिस्टीन में सल्फर के साथ एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है दूसरी तरफ कार्बन अटैच है यहाँ पे मिथ्योन में पहले दो कार्बन अटैच हैं, फिर सल्फर अटैच है फिर एक कार्बन और अटैच है तो ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन आप देख सकते हो कि सल्फर अटैच तो है लेकिन वो अल्काइल ग्रुप में यानी कि कार्बन की चेन में अटैच है तो ये सल्फर चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और इसमें आते हैं सिस्टीन और मिथ्योन अमाइनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन कंटेनिंग अच्छा अब एसिडिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि एल्काइल आर ग्रुप की जगह पे एक और एसिड अटैच होगा एक एसिड आपके अमाइनो एसिड में अटैच है दूसरा एल्काइल ग्रुप में एक और एसिड अटैच होगा उसमें इंक्लूड है दो अमाइनो एसिड जो कि एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये आपके सामने स्ट्रक्चर है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड लिखा हुआ है इसमें एक मिथाइल के साथ एक और एसिड नज़र आ रहा होगा अगर आप देखो आपको दो दो एसिड नज़र आ रहे हैं एसपार्टिक एसिड में एक ब्लैक कलर से लिखा हुआ है जो कि अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर का था दूसरा जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है वो अमाइनो एसिड वाला कार्बोजाइलिक एसिड है दूसरा जो है वो रेड कलर से लिखा हुआ वो एसिडिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है यानी कि उसमें अब साइड चेन में एक और कार्बोजाइलिक एसिड आ गया तो ये हो गया एस्पार्टिक एसिड दूसरा अगर आप ग्लूटामिक एसिड देखो अगेन ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिकसिड पार्टिक एसिड की तरह का है लेकिन इसमें एक कार्बन की ओर एडिशन हुई हुई है थोड़ा सा फर्क है स्ट्रक्चर का लेकिन है ये भी एसिडिक साइड चेन कंटेनिंग इसमें भी एक और कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है फिर है बेसिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे कि मैंने आपको एसिडिक में बताया कार्बोसाइलिक की अटैचमेंट होगी बेसिक में याद रखना आपने कि अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन की अटैचमेंट होगी यहाँ पर और वो नाइट्रोजन साइड चेन यानी कि आर ग्रुप यानी कि अल्काइल में अटैच होगा नाइट्रोजन तो वो होगी बेसिक चेन कंटेनिंग एसिड दिस इंक्लूड इसमें कौन कौन से शामिल हैं लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडीन इसमें शामिल हैं लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडीन एल ए एच तीन इसके एसिड हैं जो कि बेसिक में आते हैं अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखो तो लाइसिन में आपको गेंद वहीं सीधी सीधी स्ट्रेट चेन के फॉर्म में एलिफेटिक्स फॉर्म में आपको कार्बन 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 के अटैचमेंट नज़र आ रही है जिसमें चार कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हैं लेकिन एक और अमाइनो ग्रुप भी अटैच है तो ये हुआ बेसिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड सेम ऐसे ही आर जी में भी आप नोट करो तो आपको ये जो येलो हाईलाइटेड बॉक्स है इसमें आपको अमाइनो ग्रुप अटैच नज़र आ रहा हो सेम ऐसे ही स्टेडीन में भी आपको एलकाइल ग्रुप में अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट नजर आ रही है तो ये है बेसिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे पास लास्ट सब क्लास है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लास है ये जो है ये कहलाती है इमाइनो एसिड हमारी बुक में लिखा हुआ है अमाइनो एसिड आपने इसकी थोड़ी सी करेक्शन करनी है ये होते हैं इमाइनो एसिड इसकी एग्जाम्पल है सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही अमाइनो एसिड है वो है प्रोलिन अब प्रोलिन जो है और आपने हमने इसको इस वक्त इस इमाइनो एसिड क्यों कहा तो ये थोड़ा सा समझना है सिर्फ आपने अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो अल्फ़ा कार्बन है यानी कि जो सेंट्रल कार्बन है अल्फा कार्बन उसके साथ एक अटैच है कार्बोसाइलिक एसिड ठीक है एक अटैच है अमाइनो ग्रुप ठीक है थर्ड ग्रुप हमारे पास अटैच है हाइड्रोजन अब जो फोर्थ ग्रुप है जहाँ पे आपका अल्काइल अटैच होता है वो फोर्थ अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच तो है लेकिन क्या हो रहा है कि इस वक्त जो अल्काइल चेन है वो वापस आके अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रही है और आपको पता है ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है वो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है ये अल्फा कार्बन तो ये अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ जो अल्काइल की चेन आके अटैच हुई हुई है तो वो इमाइनो इमाइनो एसिड कहलाया तो ये प्रोलिन जो है वो इमाइनो एसिड है अगेन यहाँ पे एक नज़र और देख लें ये सेंटर पे जो ये इंडिकेशन भी अभी शो हो रहा है कि अल्फ़ा कार्बन है ये सेंटर में अल्फा कार्बन है उसके साथ कार्बोसाइलिक एसिड ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है चौथा फोर्थ वन इसके साथ हाइड्रोजन के अटैचमेंट है अब रह गया अल्काइल या अल्काइल में जो कार्बन कार्बन के अटैचमेंट हो रही है ये एक कार्बन एल्फा कार्बन के साथ है और वही रिंग बना के वापस से अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हुआ हुआ है अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हुआ हुआ है जबकि इससे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में अल्काइल ग्रुप इन तीनों ग्रुप्स में से किसी को भी टच नहीं हो रहा था अटैच नहीं हो रहा था तो इसी वजह से ये जो हमारे पास प्रोलिन है इसकी एक स्पेसिफिक एक अलग से हमने इसको क्लास दे दी है इसकी एक स्ट्रक्चर स्पेसिफ़िक है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं तो लास्ट क्लास जो है हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की वो है इमाइनो एसिड ने अब अगर आप एक नज़र देखें यहाँ तक तो हमारी बुक से रिलेटेड था वो हो गया सारा हमारे पास जितनी क्लासिफिकेशन थी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की वो हो गई लेकिन अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास टोटल ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में आते हैं तो ये जो ट्वेंटी अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली ये स्टैंडर्ड में होते हैं और ये मिल प्रोटीन बनाते हैं अब ऐसा है कि ये जो और एसपार्टिक्लूटामिकसिड दोबारा दिखाने का मकसद ये है कि अब कुछ इसके डेरिवेटिव मैं आपको बताने लगी हूँ एक नज़र इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा और एसरो ग्लुटामिकसिड में कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप और हाइड्रोजन ये सब कुछ वैसे का वैसा अटैच है जबकि उसके साथ एस्पार्टिक एसिड में एक मिथाइल एक कार्बोजाइलिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में एक इथाइल यानी कि दो कार्बन और एक कार्बोसाइलिक एसिड अटैच हुए हैं ये हैं कुछ इसके डेरिवेटिव आप अगर एक नज़र इसको गौर से देखें सबसे पहला यहाँ पर एसपार्ट एस्पार्टेट एसपार्ट में ऑब्बसली वही एस्पार्टिक एसिड है कुछ भी फ़र्क नहीं है यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड दोबारा देख लें एक कार्बन है सी एस टू वाला उसके साथ एसिड अटैच है का, CO2, CH2 है कार्बोसाइलिक एसिड अटैच है सिर्फ और सिर्फ ये ईस्टर्न लिंकेज बना लेगा ये कहलाएगा एस्पार्टेट एस्पार्टिक एसिड एसपार्ट और कोई भी इसमें वो नहीं है ये वही वाला आपका एस्पार्टिक एसिड ही है ग्लूटामेट आपका ग्लूटामिक एसिड ही है अब ये जो इसके डेरीवेटिव हैं ये आप देखें एक नज़र तो अब डेरिवेटिव में यहाँ पे जो डेरिवेशन होगी ये दो और आपको माइनर एसिड पढ़ाने लगे जो एंड में है वो देखिएगा आप जो आपका एसपार्टिक एसिड है उसमें कार्बोसाइरिक एसिड सीरबल ओ एच के साथ अटैच था वहाँ पर अगर आप नोट करो तो हाइड्रोक्सिल जो ओ OH एच की अटैचमेंट थी ओ OH एच की जगह यहाँ आपको नजर आ रहा होगा एन एच टू अब एक और बात यहाँ पे बतानी है कि था तो आपका एसिडिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड लेकिन अब उसमें एसिडिक के अंदर ही एडिशन हो गई बेसिक ग्रुप की अमाइनो ग्रुप बेसिक ग्रुप है आपको बताया मैंने जब बेसिक साइड चेन कंटेनिंग देख रहे थे आपने देखा स्ट्रक्चर में सब में बेसिक था अब एसिडिक के साथ बेसिक ग्रुप की भी अटैचमेंट हो गई ये जो है ये हम डेरिवेटिव्स में रखते हैं इसलिए हम इनको ना ही एसिडिक में क्लासीफाई करते हैं ना ही हम इसको बेसिक ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं तो ये जो एसपैरेजीन है ये एस्पार्टिक एसिड का ही या एस्पार्टेट का ही डेरिवेटिव है जिसमें कार्बोसाइलिक एसिड का जो ओ OH एच है हाइड्रोक्सिल है उसकी जगह अमाइनो ग्रुप रिप्लेस हो गया है दूसरा जो डेरिवेटिव है इसका वो है ग्लूटामाइन ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड का डेरिवेटिव है आप ग्लूटामिक एसिड में देख सकते हो सी डबल ओ एच है दो दो यहाँ पे कार्बन नजर आ रहे हैं सी डबल ओ एच है यही जो ग्लूटामिक एसिड है यही यहाँ पे इसका जो हाइड्रोक्स है वो रिमूव हो या वो रिप्लेस होके यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा अगेन आपके सामने वैसे स्ट्रक्चर है कि कार्बोसाइलिक एसिड acid था एसिडिक ग्रुप थी और साथ में अब उसके साथ बेसिक ग्रुप आके अटैच हो गया तो ये जो एसिडिक के डेरीवेटिव है ना एसिडिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड के जो डेरीवेटिव हमने इनको किसी क्लास में नहीं रखा लेकिन है ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही तो ये जो है ग्लूटामाइन है ये बिल्कुल वैसा ही ग्लूटामिक एसिड जैसे स्ट्रक्चर दो कार्बन का OH में काबुजाइलिक एसिड ग्रुप दो कार्बन फिर काबूजाइलिक एसिड ग्रुप लेकिन सी डब्लो एच का ओ एच में ओ एच हटा के अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट हुई है ये है आपका ग्लूटामाइन तो ये जो एसपैरोजिन और ग्लूटामाइन है ये दोनों डेरिवेटिव हैं इसीलिए हमने इनको एक किसी अलग क्लास में नहीं रखा लेकिन ये दोनों भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में इंक्लूड होते हैं तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है क्लियरली कि एस्पार्टिक एसिड और एसपैरोजिन में क्या फ़र्क है ग्लूटा में कैसे ग्लूटामाइन में क्या फ़र्क है तो ये उसी से डिराइव हुए हैं इनमें कोई ऐसा ऐसा, ऐसा फ़र्क नहीं है तो ये हो गए हमारे सारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कम्प्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और उनकी फर्दर सब क्लासेस तब तक अब स्टेपलेट